हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें कई अंग होते हैं और ये सारे अंग मिलकर मेन जो रिप्रोडक्शन होता है यानी इसमें रिप्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या है, शुक्राणुओं का बनना। और यही शुक्राणु फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज किए जाते हैं और देन फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन रिमेनिंग प्रोसेस होती है। सो यहाँ पर जो शुक्राणु बनते हैं यानी जो मेल के अंदर गोनाड्स होते हैं, मेल गोनाड को बोलते हैं टेस्टिस, व्रषण। और ये जो व्रषण होता है ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर के जरिए एनक्लोज रहता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। सो ये सारे जो अंग होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लाइक टेस्टिस होते हैं, गोनाड्स, और उसी तरीके से कई एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, कई सेक्स ग्रंथियां होती हैं जो कि अलग अलग तरीके से फ्लूइड बनाने में मदद करती है, लिक्विड पोर्शन बनाती है जो कि इस शुक्राणु के साथ मिक्स होके लिक्विड पोर्शन के रूप में, द्रव्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, नलिकाओं से होकर गुजरता है। सो कई डक्ट सिस्टम होते हैं एंड कई ग्रंथियां होती है जो कि इस फ्लूइड को बनाती है और इम्पॉर्टेंटली इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि स्क्रॉटम जो कि इस टेस्टिस को कवर करता है और दूसरा पेनिस जिसके जरिए जो सीमन होता है, वीर्य जो होता है यानी शुक्राणु जो कि लिक्विड पोर्शन के साथ मिक्स होता है सेमिनल फ्लूइड के साथ में, वो मिल के जो ये वीर्य बनाता है उसको एक्सटीरियरली बाहर की ओर रिलीज किया जाता है। सो इस तरीके से होल सिस्टम जो है ये गोनाड्स, कई एसेसरी ग्लैंड्स, कई डक्ट्स और सपोर्टिव स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। तो इस पार्ट के अंदर हम सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें होता है स्क्रॉटम और पेनिस। स्क्रॉटम जो कि है व्रषण कोश जिसमें कि व्रषण रहता है, वो ऐसा कोश होता है, सैक होता है, और दूसरा पेनिस जिसके जरिए यूजुअली सीमन जो है वो एक्सटीरियरली रिलीज होता है, बाहर रिलीज होता है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉटम और पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। सो सबसे पहले स्क्रॉटम, जैसा कि मैंने बताया कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक ठेली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठेली जैसी संरचना होती है जो कि बाहर से एक ये एक पाउच दिखाई देता है लेकिन बाहर की ओर एक मीडियली बीच में एक लाइन जाती है जो कि थोड़ी सी उभरी हुई रहती है, मेडियन रिज, जिसे यहाँ पर बोलते हैं रेसे। सो एक पाउच एक्सटर्नली दिखाई देता है बट मीडियली एक लाइन रन करती है, उभरी हुई सी लाइन होती है जिसे रेसे बोलते हैं। और ये जो पाउच है ये स्किन और सबक्यूटेनस लेयर से मिलके बना हुआ है, ओके। और ये कहाँ से अटैच होता है, रूट पार्ट ऑफ पेनिस, ओके। सो पेनिस का जो रूट पार्ट होता है वहां से ये अटैच रहता है। सो ये पेनिस का क्रॉस सेक्शन है, इसके रूट पार्ट से ये अटैच रहता है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। नाउ अंदर से अगर हम देखें इंटरनली तो ये जो होल सैक है ये दो में डिवाइडेड रहता है, अंदर की ओर से सैक जो है ये दो भाग में डिवाइड होता है। और दो भाग में डिवाइड होने के बाद क्योंकि ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट व्रषण गोनाड्स, मेल गोनाड जो होते हैं जिसे बोलते हैं टेस्टिस, उसको ये सपोर्ट करता है। सो इंटरनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस जो कि ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और सैक के एक पाउच के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द टेस्टिस। और यहाँ पर जो ये स्क्रॉटम सेप्टम जो है ये भी सबक्यूटेनस लेयर से मिलके बना हुआ है और इसमें एक इंपॉर्टेंट मसल पाई जाती है जिसे बोलते हैं डार्टस मसल। सो डार्टस मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। टेस्टिस को सराउंड करती हुई एक मसल होती है जो कि इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होती है जो कि एब्डोमिनल वॉल की मसल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। सो एब्डोमिनल वॉल की जो इंटरनल ऑब्लिक मसल होती है जब वो एक्सटेंड होके नीचे की ओर आती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए, यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसके बारे में हम डिटेली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके जरिए जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होती है एब्डोमिनल वॉल की वो नीचे की ओर डिसेंड होती है, नीचे आती है और टेस्टिस को सराउंड करती है, ओके। सो यहाँ पर जो ये मसल है जो इस टेस्टिस को सराउंड करती है इसे बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल।
क्रिमास्टर मसल प्रेजेंट होती है ये, जो कि टेस्टिस को सराउंड करती है। तो यहाँ पर ये जो स्क्रॉटम है ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को एनक्लोज करता है। एक सैक के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है और ये मेल गोनाड है जो कि मेनली स्पर्म यानी शुक्राणु को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो स्क्रॉटम की जो लोकेशन है, ये जो स्क्रॉटम है ये यूजुअली पेल्विक कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज मेल के शरीर के अंदर जो शुक्राणु का बनना होता है ये जो बॉडी के कोर टेम्परेचर होता है उससे इसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है शुक्राणु को फॉर्म करने के लिए। तो ये जो पेल्विक कैविटी से बाहर है ये इसको एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि कोर टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है। यानी कोर टेम्परेचर मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है इस टेस्टिस के कंपैरिजन में, क्योंकि इससे कम चाहिए होता है टेम्परेचर, कम चाहिए होता है शुक्राणु को बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो टेस्टिस होते हैं ये पेल्विक कैविटी के बाहर होते हैं, स्क्रॉटम के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे कि विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन के दौरान जो टेम्परेचर कम होता है तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट जो क्रीमास्टर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके कारण जो स्क्रॉटम है ये बॉडी के क्लोज आ जाता है, बॉडी के पास में आ जाता है। और उसी के साथ डार्टस मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होती है जो कि स्क्रॉटम को टाइट कर देती है। तो दोनों ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के क्लोज आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं और बॉडी से हीट को लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये अकॉर्डिंग टू द वेदर, जैसा भी टेम्परेचर है बाहर एटमॉस्फेयरिक उसके अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं और उसके बेसिस पे बॉडी से हीट भी लेते हैं। और अगर समर सीजन है तो उस कंडीशन में ये स्लाइटली लूज हो जाते हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाती है और बॉडी से दूर रहती है ताकि और ज़्यादा हीट रिसीव ना करें। तो दिस इज द स्क्रॉटम जो कि क्या है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, और ये किसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज टेस्टीज, मेल गोनाड को। नाउ यहाँ पे मैंने बताया कि कहाँ से अटैच होता है, रूट पार्ट ऑफ पेनिस से। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेनिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेनिस इज द अदर सपोर्टिव स्ट्रक्चर। पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेनली ये 3 इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ओके, सो यहाँ पर 3 इरेक्टाइल टिश्यूज जो होते हैं, 2 लैटरली प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सो लैटरल होते हैं और एक होता है बीच में जो कि मिड वेंट्रल होता है जो कि स्मॉल होता है। ओके, सो लेट्स सी, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं इस होल पेनिस के अंदर। सबसे पहले ऊपर की ओर जो होता है दैट इज कॉल्ड रूट पार्ट, तो सबसे पहले ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा क्योंकि यहाँ पर जो पेनिस है वो 2 के लिए कॉमन पैसेज वे है, यूरिन के लिए भी एज वेल एज सीमन के लिए भी। सीमन क्या है, दैट इज लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें स्पर्म और कई जो फ्लूइड होता है सेमिनल फ्लूइड उसके साथ ये मिक्स होता है, सेमिनल फ्लूइड जो कि कई एसेसरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला सेक्रेशन है। सो इसके लिए कॉमन पैसेज वे देता है पेनिस, इसलिए ये जो बनाया है वो क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, स्पॉन्जी यूरिथ्रा है। ये क्या है, स्पॉन्जी यूरिथ्रा। और ये जो स्पॉन्जी यूरिथ्रा होता है ये किसको एनक्लोज करता है, दैट इज किसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी यूरिथ्रा, ये होता है 1 इरेक्टाइल टिश्यू जो कि इस पेनिस के अंदर प्रेजेंट होती है, वो है कॉर्पस स्पॉन्जोसम। सो दिस इज द कॉर्पस स्पॉन्जोसम। ये जो कि मैंने यहां पे बताया था ये मिड वेंट्रल मास होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी यूरिथ्रा। दिस इज द स्पॉन्जी यूरिथ्रा जो कि मीडियली मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो ये है कॉर्पस स्पॉन्जियसम जो कि मीडियली बीच में प्रेजेंट होता है एंड मिड वेंट्रल मास है और स्मॉल होता है इन दोनों इरेक्टाइल टिश्यू के कंपैरिजन में। ओके, सो दिस इज द स्पॉन्जियसम, कॉर्पस स्पॉन्जियसम जो कि रूट, दिस इज द रूट पार्ट। पेनिस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, दिस इज द रूट,
मिड पोर्शन जो होता है ये होता है बॉडी, और डिस्टल पार्ट जो है यहाँ पर वो एक एनलार्ज शेप में होता है, एक्रॉन शेप्ड में होता है, जैसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये एक पेड़ होता है, बलूत का पेड़, ऑक ट्री होता है, उसमें एक फ्रूट होता है जिसे बोलते हैं एक्रॉन, उसके शेप का होता है ये डिस्टल पार्ट, जो कि इस तरीके से एक्रॉन शेप्ड होता है, जिसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये किसका एक्सटेंशन है? कॉर्पस स्पॉन्जोसम का ही। ओके, सो कॉर्पस स्पॉन्जोसम रूट से एक्सटेंड हो रहा है एंड डिस्टल एंड पे ये ग्लांस पेनिस के फॉर्म में एनलार्ज एक्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी जो मार्जिन होती है उसे कोरोना कहते हैं। और इसके अंदर जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा है वो स्लाइटली डायलेटेड फॉर्म में भी रहता है, और यहाँ पर एक स्लिट लाइक, एक स्लिट कट जैसा ओपनिंग बनाता है, जो कि बाहर एक्सटीरियरली किसके फॉर्म में खुलता है, बाहर ये जो ओपनिंग है ये किस फॉर्म में खुल रही है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। ओके, यूरिन का जो बाहर का ओपनिंग है जिसके जरिए यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, वो फॉर्म होता है इन दिस ग्लांस पेनिस, जो कि ऐसे डायलेटेड फॉर्म में रहता है एज एन फॉर्म ऑफ स्लिट, स्लिट जैसे, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। सो ये है पहला इरेक्टाइल टिश्यू जिसे बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जोसम। दूसरे टू इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो कि यहाँ से स्लाइटली लैटरली टैपर्ड एक्सटेंड होते हैं, और यहाँ पे एंड पोर्शन होता है, और दो जो कि डॉर्सल लैटरल एस्पेक्ट पे होता है साइड में होते हैं इन दिस मैनर। तो जो दो साइड के इरेक्टाइल टिश्यूज जो होते हैं पेनिस के अंदर, इन दोनों को बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सो टू लैटरल मासेस आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और बीच का जो मास है उसे मिड वेंट्रल मास जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जोसम है। सो ऑल टुगेदर जो तीनों इरेक्टाइल टिश्यू के मास जो हैं ये एक फाइबरस लेयर से कवर्ड रहते हैं, सो ये जो फाइबरस लेयर होती है इन तीनों के चारों तरफ वो क्या कहलाती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ऑल टुगेदर ये तीनों ही मास किससे कवर्ड होते हैं? स्किन और सबक्यूटेनस लेयर से, क्या होते हैं? चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। दिस द स्किन एंड सबक्यूटेनस लेयर। नाउ यहाँ पर जो ग्लांस पेनिस होता है ये बाहर की ओर एक स्किन से कवर्ड रहता है। ग्लांस पेनिस जो है बाहर एक स्किन से कवर्ड होता है, और इस स्किन को बोलते हैं यहाँ पर प्रिप्यूस या फिर फोर स्किन। ओके, सो पेनिस के अंदर थ्री पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर जो कि अटैच पोर्शन होता है उसे रूट बोलते हैं। अब यहाँ पे रूट डिफरेंट है। कॉर्पस स्पॉन्जोसम का जो रूट पार्ट है दिस वन, इसे बोलते हैं बल्ब, बल्ब ऑफ पेनिस। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा के जो दोनों रूट पार्ट है इसे बोलते हैं क्रूरा, क्रूरा ऑफ पेनिस। सो कंबाइनली ये दोनों कौन सा पार्ट बनाते हैं? रूट पार्ट ऑफ पेनिस, जो कि अटैच्ड पोर्शन होते हैं। बल्ब ऑफ पेनिस जो होता है ये डीप मसल ऑफ पेरिनियम के इन्फीरियरली अटैच होता है, और उसको भी एनक्लोज करती है बल्बो स्पॉन्जोसिस मसल, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण इजैकुलेशन में मदद करती है। इजैकुलेशन यानी सीमन का बाहर रिलीज होना। और इसी तरीके से क्रूरा ऑफ पेनिस जो होते हैं ये दो लैटरल टैपर्ड साइड में खत्म होते हुए पोर्शन है, टैपर्ड एंडिंग पोर्शन है, जो कि इशियल एज वेल एज जो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ प्यूबिक रेमाई है उससे अटैच रहते हैं, और उनको भी एक मसल एनक्लोज करती है, कवर करती है, जिसे बोलते हैं इशियो कैवर्नस मसल। सो दीज आर द थ्री इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस। मिड वेंट्रल जो सिंगल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जोसम, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है यूरिथ्रा जिसे बोलते हैं स्पॉन्जी यूरिथ्रा, एंड इसके दोनों तरफ जो मसल्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि डॉर्सो लैटरल एस्पेक्ट प्रेजेंट होती है।
इस पेनिस का जो वेट होता है ये यूजुअली टू लिगामेंट के जरिए सपोर्टेड रहता है, एक है फंडिफॉर्म लिगामेंट एंड दूसरा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। सो जो फंडिफॉर्म लिगामेंट है, ये फंडिफॉर्म लिगामेंट किसका एक्सटेंशन होता है? लीनिया एल्बा का। लीनिया एल्बा जो एब्डोमिनल वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट जितनी मसल्स जो होती है वो एपोन्यूरोटिक होती है और मीडियली एक वाइट कैप्सूल बनाती है, वाइटिश लेयर बनाती है जो कि कोलेजन से मिलके बनी हुई है। वही लाइनिंग नीचे की ओर जब एक्सटेंड होती है तो यहाँ पे ये कौन सा लिगामेंट फॉर्म करती है? फंडिफॉर्म लिगामेंट। और इसके अलावा एक और लिगामेंट जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से अटैच होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके कहाँ पे अटैच होती है? पेल्विस तक, तो उसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सो सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ से अटैच हो रही है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से पेनिस की ओर। सो ये दोनों लिगामेंट, क्योंकि पेनिस जो है वो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, सो इसे होल्ड करने का काम करती है, इसको सपोर्ट करती है दीज टू लिगामेंट। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं स्क्रॉटम एंड पेनिस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा। थैंक यू।